नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर विश्वकर्मा इंजीनियरिंग से राजेश शर्मा आपका स्वागत करता है। हम इस बार वापस कुछ नए कंसेप्ट के साथ में आपके सामने आए। इसके पहले हमने काफी सारे वीडियोस अपलोड किए, धार्मिक बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए, धार्मिक बिजनेस के कितने टाइप्स है, वो चीजें हमने पूरी क्लियर कर दी है। और हमने लेकर आया है इस बार मल्टी क्रॉप मशीन। इसके अंदर आप पूरी तरह की कोई भी तरह की दाल बना सकते हो और कोई भी चीज ग्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि स्पेशली आप गेहूं ग्रेडिंग करना है तो उसमें आप गेहूं ग्रेडिंग भी कर सकते हो, और उसमें कुछ भी आपको ग्रेन क्लीन करना है तो आप क्लीन भी कर सकते हो। ये मशीन की बस कॉस्टिंग है ओनली 80 to 90,000 मशीन है। इसमें कितने टाइप्स की मशीन है, काफी सारी मशीन है। अब हम कभी भी कॉल बैक कर सकते हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ माल डालता हूँ। यहाँ से आउटलेट कंट्रोल होता है, यहाँ से इनलेट है, यहाँ से मटेरियल डाला गया है और यहाँ से मटेरियल फ्लो होगा। कंट्रोल होता है कितना कितने मात्रा से माल लिया जाएगा यहाँ से, और यहाँ से मटेरियल यहाँ से फ्लो होगा। तो मटेरियल फ्लो होने बाद में और इसके अंदर ऑफर में जाएगा माल, और ये माल यहाँ से माल कंट्रोल होगा और यहाँ से मैं आउटलेट खोलता हूँ, यहाँ से माल फ्लो होगा, माल यहाँ से फ्लो होगा। हाँ, यहाँ से मटेरियल फ्लो होगा, अभी यहाँ से मटेरियल इसके अंदर जाएगा हॉपर के अंदर और यहाँ से मटेरियल जाएगा। यहाँ से हमारी फ्रेश दाल निकलती है, यहाँ से हमारी फ्रेश दाल निकलती है। यह फाइनल दाल की प्रोसेस है, और यहाँ से इससे बड़ी जो साइज की दाल रहती है, यह साइज से इससे बड़ी साइज की दाल रहती है, यहाँ से निकलती है, और यहाँ से हमारा वेस्टेज मटेरियल निकलता है 10 टुकड़ी, और यहाँ से मटेरियल जब ओवरफ्लो होता है तो यहाँ से निकलता है। देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर इसमें छिलके में क्वांटिटी है, छिलका खींचने की क्वांटिटी अच्छी है ब्लोअर की। यहाँ पर 3 जगह ब्लोअर का सकिंग दिया हुआ है, 1, 2, 3 जगह सकिंग क्लो दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, यहाँ पर छिलका खींच रहा है आगे। यहाँ से छिलका खींचा जा रहा है, देखिए यहाँ से छिलका खींचा जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।